वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जीवन वाह साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, वाहे सुभ मानवता। न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाहे सुभ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज का हमारा विषय रहेगा कि भारत के नौजवान कैसे होंगे कामयाब। तो जिसमें दो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, बहुजन समाजवादी मंच की जो एक्टिविस्ट है मोहिनी जुड़ी है हमारे साथ में, और बहुजन समाजवादी मंच के जो एक्टिविस्ट है संजीव जी जुड़े हैं हमारे साथ में। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी मोहिनी जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल बहन जी। थैंक यू सर, सत श्री अकाल जी। संजीव जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल साहब। साथी, हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर, कोई उसको शेयर करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है तो लिख कर भेज सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं नौजवान भारत के कैसे होंगे कामयाब। तो मोहिनी जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है कि भारत में जो है, पहले तो अपना परिचय दीजिए और इसके समाज जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, संगठन के बारे में बताएं थोड़ा। जी ठीक है सर, मेरा नाम मोहिनी बोध है, मैं बहुजन समाजवादी मंच के कार्यकर्ता हूँ, गाजियाबाद की स्थायी निवासी हूँ। वैसे तो मैं हॉकी प्लेयर भी रह चुकी हूँ, राष्ट्रीय लेवल पे हॉकी खेल चुकी हूँ, काफी मेडल्स भी है मेरे पास। बाकी मैं स्काउट गाइड वगैरह भी मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, और सोशल वर्क में 2 साल से कर रही हूँ लगभग। फिर मुझे बहुजन समाजवादी मंच का साथ मिला, जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से समाज के लिए काम करना बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में संगठन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो उनकी विचारधारा है ना, वो बहुत अलग अलग टाइप की है। तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पे महिलाओं को समानता मिलती है, तो यहाँ से मैं शुरुआत कर सकती हूँ कि महिलाओं के लिए एक आवाज उठा सकूँ। क्योंकि जो हमारे घर की महिला है ना, वो घर में ही दबके रह जाती है, सिर्फ रोटी सब्जी बनाने में, या फिर कम उम्र में शादी हो जाती है तो इतना पढ़ भी नहीं पाती। तो इसके लिए मैंने ये कदम उठाया और मैं बहुजन समाजवादी मंच के साथ में मिलकर के महिलाओं को, नौजवानों को जागरूक करने के लिए निकल चुकी हूँ, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगी मैं रुकूंगी नहीं। तो मोहिनी जी, ये बड़ा अच्छा कदम किया आपने। अच्छा जो है, ये नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है और हम इसमें पूरा सहयोग देंगे। हमारा वॉइस ऑफ मानवता सच्चाई ईमानदारी का साथ देता है सभी के साथ में, और गरीबों की मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें नौजवानों को खास करके आगाना होगा, क्योंकि भारत को बचाना है हमने, और ये भारत को चारों तरफ से चोर लूट रहे हैं, डाकू लूट चारों तरफ मतलब लूटपाट मची हुई है। तो ये तो कहाँ जाएंगे भाग करके, तो इनको तो वापस लेकर आएंगे, लेकिन पहले भारत को, नौजवानों को खास करके हमें बचाना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि भारत के नौजवानों के हालात आज की डेट में कैसे हैं, आप कैसे महसूस कर रही हैं? जी सर, भारत के जो नौजवान है ना, वो मानसिक गुलाम है। आजादी तो हमें बहुत पहले मिल गई, लेकिन जो मानसिक गुलामी है वो लोग अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो लोगों के जो पेरेंट्स है ना, जैसे कि हमारे समाज में काफी सारे संगठन आते हैं, तो जो रिटायर हो जाते हैं लोग, वो आते हैं, वो संगठन चलाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर के नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मन में ये है कि जो सामने वाले घर में बैठे लोग हैं उनके बच्चे आए और वो जाकर के समाज के लिए लड़ाई लड़े, हमारे बच्चे आईएएस पीसीएस बन जाए। और ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा आईएएस पीसीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी पे लगे, तो सबको अलग अलग लक्ष्य सबके होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ना एक घर में से एक सदस्य नौजवान ऐसा तो निकले जो कि समाज के लिए लड़े, जो समाज को जागरूक करे। क्योंकि जब तक नौजवान सोया रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। नौजवान अब आएगा वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेगा, किसी की लग गई तो ठीक है, किसी की नहीं लगी तो वो मजदूरी करेगा, बेरोजगार ही रह जाएगा, ना तो उसे समाज का ज्ञान मिला ना ही उसे नौकरी मिली। तो एक तरीके से वो बेकार है, जो कि आज भारत के अंदर आपको देखने को मिलता ही होगा, हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। इतनी बेरोजगारी फैल गई है कि लोग चोरी चकारी और लूटपाट का इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े कोई भी किसी को मार करके लूट करके ले जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये बेरोजगारी की जो निशानी हो रही है ना, ये मानसिक गुलामी की वजह से हो रही है, जो हमारे समाज के लोगों की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि वो अभी तक भी धर्म जाति इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको डर है, उनको डर है कि कहीं हम कुछ धर्म जाति से अलग निकल गए तो कहीं भगवान हमारा ये ना बिगाड़ दे, कहीं भगवान हमें भस्म ना कर दे। तो अगर लोग बाग इस चीज से डर रहे हैं, नौजवान हो या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अगर वो इस चीज से डर रहे हैं कि उनका धर्म जाति से अलग होने पे, या फिर संविधान के दायरे में चलने से, या फिर मानसिक गुलामी को छोड़ने से भगवान उनको भस्म कर सकते, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब, पैरियर साहब, संत रैदास, संत कबीरदास, ये सब जो चले थे, अगर भगवान होते या कुछ भी ऐसा होता तो सबसे पहले उनको भस्म करते। तो वो लोग भी चले, उन्होंने मानसिक गुलामी नहीं चुनी, उन्होंने आजादी चुनी। बाबा साहब ने
भारत को असली आजादी भारत को बाबा साहब ने ही दी संविधान लिख करके, और महिलाओं को, महिलाएं तो गुलामों के गुलाम थी, मतलब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, और भारत के जो स्वर्ण कास्ट के लोग थे उनके गुलाम थे हम दलित लोग जो कहा जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, मैं बहुजन कहूंगी, मैं दलित शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, मैं बहुजन का प्रयोग करूंगी, हम बहुजन गुलामों के गुलाम थे, और बहुजन के गुलाम थी महिलाएं, जिनको ना तो बोलने की आजादी थी, ना अपनी मर्जी से रहने की आजादी थी, ना पढ़ने की आजादी थी, वो सब कुछ संविधान की देन है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों को जरूरी नहीं है कि जो लो कर रहा है वही व्यक्ति संविधान पढ़े, हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, प्रियम्बल तो सबको ही पढ़ना चाहिए, संविधान देश, हमारे देश का अस्तित्व भारत से, भारत की पहचान संविधान से है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों की जो गुलामी का कारण है ना वो यही है कि उनके जो माँ बाप है वो उनको बाहर निकलने नहीं देते, और कुछ नौजवान खुद भी नहीं आना चाहते, क्योंकि आजकल हवा ऐसी चली है कि लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, निजी स्वार्थ में रह रहे हैं कि सिर्फ हमें अपना देखना है। तो अगर अपना देखना होता ना तो अगर बाबा साहब ने सबको लेके ना चला होता तो आज हम यहाँ बैठ के आपस में बात ना कर रहे होते। बाबा साहब ने सबको साथ में लेके चला, उन्होंने मैं की भावना से काम नहीं करा, हम की भावना से काम करा, और जहाँ वी फीलिंग होगी वहाँ पे सफलता मिलेगी मिलेगी, और वहाँ एक व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे हम की भावना है तो वहाँ पे सारे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। तो इसमें मानसिक गुलामी की बात बताई हमने, तो मानसिक गुलामी की अगर हम पहचान करें कि मानसिक गुलाम जो इंसान होता है उसकी पहचान कैसे हो सकती है, और उसको हम मतलब अगर हम खुद मानसिक गुलाम हैं तो हम अपनी पहचान कैसे कर पाएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल सर, मानसिक गुलाम जो होगा पहली बात तो वो स्वार्थी होता है, मानसिक गुलाम जो इंसान होगा वो दुनिया को नहीं देखता, ना दुनिया में किसी और को देखता अपने अलावा। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो आता है वो व्यक्तिवाद की बात करता है, व्यक्तिवाद मतलब अपने बारे में ही बात करता है, जैसे कि कोई कोई संगठन चला रहा है और वो उसी की बात कर रहा है कि मैं, जैसे कि संगठन चल रहे हैं और उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक ही होते हैं, वहां पे मानसिक गुलामी है क्योंकि वहाँ व्यक्तिवाद फैला हुआ है, वहाँ लोगों के अंदर एक बात है कि अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मैं ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मुझे ही बोलने का अधिकार है, बाकी जो लोग हैं वो सब सिर्फ कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ मेरे पीछे काम करेंगे, मेरे पीछे भीड़ का हिस्सा बनेंगे। तो मानसिक गुलामी की ये पहचान है कि इंसान के अंदर व्यक्तिवादी सोच होती है, वो स्वार्थी होता है, वो दूसरे का भला ना सोच करके सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि ना तो वो देश के हैं, ना समाज के हैं, ना संगठन के हैं, ना ही बाबा साहब के हैं। तो इसमें जैसे आप लोग नौजवानों के बारे में बात करें, अगर रोजगार की बात करते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, इसमें रोजगार तो नौजवान काफी 99% में बेरोजगार हो चुके हैं नौजवान, और तो इसमें इनको रोजगार का कुछ ऐसा आप लोगों ने सोचा अपने संगठन की तरफ से इनको रोजगार दिया जा सके, कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ सोचा? जी सर, रोजगार के लिए भी सोच रहे हैं हम लोग, जब मीटिंग्स करते हैं सेमिनार करते हैं तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो कॉरपोरेशन करके बिजनेस करे, जिसमें उसमें भी एक ही इंसान की भागीदारी नहीं होगी, सबकी भागीदारी होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान लीडर रहेगा, उसमें भी सबके विचार सुने जाएंगे सबके, लेकिन उसके लिए लोग रेडी तो हो, घर से तो निकले, उसमें भी निजी स्वार्थ आ जाता है लोगों का, स्टार्ट भी करा था काम, इनफैक्ट स्टार्ट करा था आपसे सर संजीव सर 3-4 साल पहले करा था। मैं थोड़ा सा एस्पेक्ट मैं बता देता हूँ जी, हमारा दृष्टिकोण ये है रोजगार को लेके कि हम ये मानते हैं कि हमें कोऑपरेटिव्स खड़े करने पड़ेंगे, पीपल्स कोऑपरेटिव, और पीपल्स कोऑपरेटिव ही एक पैरेलल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी बनेंगे इस देश में, क्योंकि इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं जितने भी संसाधन हैं उस पर तो ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी तत्वों का कब्जा है, और वो रिसोर्सेज हमें देंगे नहीं, ये भी एक सच्चाई है। तो हमको क्या करना है, हमारी जो परिस्थितियाँ उसमें कोई अकेला बहुजन व्यक्ति व्यापार या काम नहीं कर सकता, हमें मिलके करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने, हमारा दृष्टिकोण संगठन का यह है बहुजन समाजवादी मंच का, कि हम सहकारी उद्योग खड़े करेंगे, सहकारी काम खड़े करेंगे, और इसके लिए हमने कोशिशें की हैं, अभी बहुत सफलता नहीं मिली है क्योंकि समाज का परिदृश्य, समाज का दृष्टिकोण अभी व्यक्तिवाद से बाहर निकला नहीं है, सामूहिकता की तरफ कम आया है। इसलिए हम ये लगता है कि रोजगार जो है वो दरअसल जुड़ा हुआ है आपकी राजनीतिक चेतना से, रोजगार का प्रश्न सिर्फ आर्थिक प्रश्न नहीं है,
ये सिर्फ इकोनॉमिकल क्वेश्चन नहीं है, ये पॉलिटिकल सोशल क्वेश्चन है। और जब तक पॉलिटिकली और सोशली अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम ये मानते हैं कि जैसे बहुजनों के अपने अस्पताल होने चाहिए, अपने विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ये भी एक दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण ये भी है कि हम इस तरह की फूड चेन बनाएं, इस तरह के रेस्टोरेंट्स खोलें, इस तरह के काम करें जो गृह उद्योग के अंदर हैं, जिसमें महिला पुरुषों की समान भागीदारी है। और आर्थिक प्रश्न को हम समानता से और स्वतंत्रता से भी जोड़ कर देखते हैं इस प्रश्न को। ये सिर्फ इतना नहीं है कि किसी को नौकरी या काम मिल गया, सवाल है कि उसका जीवन शैली कैसी बनती है रोजगार के लिए। जैसे भारत में जिन लोगों को, बहुजनों को रोजगार मिला या जो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली तो ब्राह्मणवादी पूंजीवादी हो जाती है। तो सवाल रोजगार के प्रश्न को हल करने का नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए आचरण का भी है। तो इस दृष्टिकोण से बसम काम शुरू किया। बसम कोई पुराना संगठन नहीं है, 3 साल पुराना संगठन है। और अब हम जितनी प्रयत्न कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्रयत्न आगे बढ़ेगा उसका सूचना समाज में और आपको मिलेगी। साथियों बताया ज्यादा ही हॉर प्रॉब्लम लाइव जा रहा हूँ, लिंक दे रखा है फेसबुक पर, अगर कोई जुड़ कर बात करना चाहता है या सवाल करना चाहता है इनसे डायरेक्ट आकर के तो सवाल भी कर सकते हैं। संजीव जी, हमने एक प्लान किया है जो भारत को हम 31 महीने में डेवलप कर सकते हैं। 31 महीने में भारत को नंबर वन कंट्री बना सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ 1 करोड़ आदमी से चाहिए जो सिर्फ 100 रुपये निकाल कर डोनेशन के हर महीने दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में एक प्लान ऐसा है कि मतलब हर एक बहुत सारी समस्याओं का समाधान है इसमें। 5,000 लोगों को इसमें कम से कम एक स्टेट में रोजगार मिलेगा। जैसे अगर हमारे पास में 100 रुपये एक आदमी की तरफ से आते हैं, हमारे पास 1 करोड़ अगर आदमी होंगे तो हमारे पास 100 करोड़ रुपये आएगा। तो 100 करोड़ का हम करेंगे क्या? हमने जैसे बड़ी स्टेट है कोई भी, जैसे दिल्ली है या मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 5 बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे 25 करोड़ में तकरीबन, तो उसमें वहाँ इलाज फ्री करवा देंगे। और 5 बड़े बनाएंगे विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है, और इसमें तकरीबन 20 करोड़ में हम लोगों को देंगे रोजगार। जो नौजवान घूम रहे हैं उनको बिजनेस खड़ा करवा देंगे कोई ना कोई। और 10 करोड़ में हम देंगे जो है जिनके घर टूटे फूटे पड़े हैं उनको उनके घर बना कर देंगे। 5 करोड़ देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा करके देंगे। और 15 करोड़ हम बनाएंगे फिल्में और नाटक जिससे मानवतावादी संदेश पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए। तो ये अगर हम एक स्टेट में चालू करेंगे तो हम 31 स्टेट भारत की हैं, तो 31 महीने हम उसको कवर कर जाएंगे और 31 महीने में भारत का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर होगा। ऐसा हमने सपना सजाया है और इसको करके भी दिखाएंगे। और इस पर हमने इस पर काम स्टार्ट कर दिया। डॉक्यूमेंटेड काम होगा, सच्चाई और ईमानदारी हमारी सबसे पहले महत्वपूर्ण है। सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर हमने इसका मानवतावादी चैनल का भी नींव रखा है और इसी के ऊपर चलते हैं। इसी के सहारे हम चल करके आगे बढ़ेंगे और भारत को एक दिन पूंजीवाद से भी, जात पात से भी और जो इस समस्या चल रही इससे सभी से खत्म करेंगे समस्या को। और इसको हम अगर आप लोगों का साथ मिलता है तो बहुत जल्द इसको खत्म करेंगे। जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मोहिनी जी, नौजवान जब कामयाब हो जाते हैं तकरीबन तो क्या करते हैं? अपने सबसे पहले दोस्तों को बोलते हैं, माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे देखे हमने, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो नौजवानों को ऐसे हालात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर, ये तो अपनी मानसिक सोच है ना कि इंसान की कैसी सोच होती है। होता क्या है, आजकल जो नौजवान देख रहा है ना, नौजवान आगे चल के ज्यादातर उसी को कर रहा है, लेकिन वो अच्छी आदतें नहीं सीख रहा, वो सिर्फ बुरी सीख रहा है। जैसे कि कोई भी फैमिली होती है, एग्जाम्पल के लिए एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं वहाँ पे, एक लड़का एक लड़की। तो पिताजी क्या करते हैं, आते हैं रात को दारू पी करके आते हैं और माताजी को मारते हैं, और खाना खाया नहीं भी खाया सो गए। ठीक है, बच्चा क्या देख रहा है वो वही देख रहा है। और लड़की के लिए वहाँ पे क्या रूल रेगुलेशन होती है कि लड़की है 8th क्लास तक तो वो पढ़ेगी, उसके बाद या तो वो खेतों में काम करेगी, मजदूरी करेगी, जब बाप दारू पास होगा तो लोग गंदी गंदी नजरें डालेंगे उस पर, तो फिर वो उसकी शादी कर देंगे, तो लड़की का भविष्य तो वहाँ पे खत्म। लड़की ने क्या देखा कि उसकी माँ चुपचाप पिटी हुई आई है और उसको भी आगे जा करके यही करना है, क्योंकि माँ जो उसको नसीहत देती है वो ये देती है कि लड़की का काम ही ये है कि उसको चुप रहना है। बेटे ने क्या सीखा कि पापा तो आते थे दारू पी के आते थे, मम्मी को मारते थे और चुपचाप अपना घर चलाते थे, तो आगे चल के बेटा भी यही करता। अब पापा जैसे
बूढ़े हुए तो उन्हें थोड़ी सी अकल आई, वो सुधरे, लेकिन उस सुधरने का क्या फायदा, क्योंकि बेटा तो उस रास्ते पे निकल गया। तो जब माँ बाप ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया था उनके बुढ़ापे में, तो आने वाला बेटा भी वही चीजें दोहराता है, वो भी उनको बाहर निकाल देता है। और जो पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा मतलब डिग्री वाला पढ़ा लिखा नहीं, जिसको सामाजिक ज्ञान होगा, जिसने समाज को देखा होगा या माँ बाप के प्रति उसने बचपन से ही प्यार रखा, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा चाहे उसने कुछ भी देखा होगा, बल्कि वो अपने पेरेंट्स को भी समझाएगा कि हाँ ऐसी हरकतें ना करें। तो ये कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट करना होगा नौजवानों को खुद से, क्योंकि आजकल कोई बेवकूफ तो नहीं है। आज के टाइम पे छोटी छोटी क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे भी इतने ज्यादा होशियार है कि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर नौजवान तो 18 प्लस होने के बाद तो इंसान इतना मेच्योर हो जाता है ना कि उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, राइट क्या है, रोंग क्या है, सबको पता है। जब उसको अपनी वाइफ को रखने के लिए, जब वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को अपने घर में अपने साथ रखूंगा और वाइफ मना कर रही है पेरेंट्स के लिए, तो उसके वाइफ के भी तो पेरेंट्स घर पे आते होंगे ना, तो दोनों के लिए अगर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बना करके चले ना, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा और बच्चों को भी सोचना पड़ेगा। पहली चीज तो बच्चों को बड़े होने के बाद पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, मॉरल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो इस रास्ते पे ना जाए। क्योंकि जो बचपन की जो शिक्षा होती है ना, जब कहते हैं ना, जब मिट्टी का घड़ा होता है उसको नीचे से ही सीखना पड़ता है, जब वो उसको आकार देना पड़ता है, तो बच्चों को उसी तरीके से आकार देना पड़ेगा। जैसे आप आकार देंगे आगे चल के, हो सकता है कि वो गलत रास्ते पे चला जाए, आपने सही सिखाया हो तो भी, लेकिन वो उसकी गलती होगी, वहाँ पे माँ बाप का दोष नहीं होगा, और वहाँ पे माँ बाप अपनी अपने लक्ष्य में वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मंजिल तक पहुँचा दिया। उनके बच्चे नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे या उनको नहीं रख रहे, तो वहाँ पे उनके बच्चों की बहुत बड़ी गलती होगी। और आज के जो नौजवान है उनको ये चीज सीखनी चाहिए कि फैमिली है ना, फैमिली को एक जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अगर पूरी फैमिली है तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि भारत के अंदर भी इतनी सारी जातियां हैं, और मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो सब लोग एक हैं। अभी थोड़ी सी आप राजनीति की वजह से कह लो या किसी वजह से कह लो, अभी लोगों के अंदर इतनी गंदी मानसिकता फैल रही है कि मतलब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फिर अभी देश के अंदर है, फिर स्टेट्स के अंदर आएंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे वार्ड विधानसभा इन सब में आएंगी, फिर वो चीजें फैमिली में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बड़े स्तर से जुड़ी है, फिर आके वो छोटे स्तर पे लागू होने लगती है। तो हमें पहले कुछ ना कुछ, जो ये गंदगी फैला रहे हैं ना लोग, जो ये नफरत फैला रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा पहले। मेरे ख्याल से उन्हें रोकने हो जाएगा, हम अच्छा फैलाने शुरू कर दे, इसमें इसका आपको क्या ख्याल है, अगर वो तो गंदगी नहीं रोकते। अच्छाई फैलाएंगे, अच्छाई फैलाएंगे कैसे, हमें अच्छाई फैलाने, मैं आपको एक अभी दिल्ली की एक घटना बताती हूँ कि दिल्ली में ना एसएससी जीडी युवाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था, लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे एससी ओबीसी थे, वहाँ पे हर भारत का हर एक नौजवान था जिन्होंने भर्ती का कराया था। तो उनका मेडिकल हो गया था, रिटर्न हो गया था, लेकिन उनको ना नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था। तो वो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो बीच में उनके, हेलो सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लड़कियां थी, जब उनके ऊपर लोगों ने प्रशासन ने हाथापाई करी थी, क्योंकि उनको ऑर्डर दिए गए थे कि ये भीड़ खत्म करनी है, इनको हटाना है, तो उन लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं। तो आप ये सोचिए कि गंदगी कहाँ से दूर होगी, गंदगी हमें दूर ही करनी पड़ेगी ना। आर्टिकल 19(1)(a) हमें बोलने का अधिकार देता है कि हम अपनी बात सबके सामने रख सकते हैं, तो फिर सरकार कैसे ये अधिकार हमसे छीन रही है, क्यों छीन रही है सरकार ये अधिकार? इसके लिए तो जनता को एक होना पड़ेगा ना। अब आधे आधे लोग बटे रहेंगे, लेकिन जनता कैसे एक हो? जनता को एक करने के लिए भी बड़ी तकड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो कि हम सब, आप सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। जैसे कि अभी इतने सारे संगठन बन चुके हैं, लेकिन विचारधारा का क्या है कि विचारधारा कहीं ना कहीं सबकी अलग अलग है, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतनी ज्यादा व्यक्तिवादी सोच है कि वो हम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे जो सफलता हमें मिलनी चाहिए। तो अगर हमें नौजवानों को बचाना, देश को बचाना है, देश भारत देश को, अगर हमें बेसिकली भारत देश को बचाना है, तो हमें जो ये जो गंदगी फैला रहे ना, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इनको तो हटाना ही पड़ेगा सत्ता से, क्योंकि इनको हटाए बिना कुछ नहीं हो सकता। और इनको हटाने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा,
हम लोग एक तो हैं, लेकिन हमारे पास लीडर भी होना चाहिए ऐसे, जिसको हम उस सीट पे बैठा सके। तो हमें लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे अपने समाज के अंदर, नेता पैदा करने पड़ेंगे। जैसे कि साहब काशीराम ने मेहनत करी थी, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। हम उनके जैसा तो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनके आसपास तो कर ही सकते हैं ना, मेहनत तो कर ही सकते हैं। पहले मेहनत करेंगे तब भी सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं युवा भी और बुजुर्ग भी मेहनत से चूक रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संजीव जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। थोड़ा सवाल थोड़ा ज्यादा गंभीर है, थोड़ा तेज। बाबा साहब ने जो एक तीन सूत्र दिए थे कि मतलब शिक्षित बनो, संघर्ष करो या संघर्ष करो, ऐसे तीन सूत्र हैं, तो क्या इस पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या इनको सचमुच ही इन पर चल पड़े हैं, या मतलब इनके अभी दिमाग में घूम रहा है, या इसके तक पहुंचे नहीं पहुंच पाए हैं, जो तीन सूत्र दिए थे बाबा साहब ने, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं इस बात को जवाब देने से पहले थोड़ा इतिहास पे बात करूंगा इन तीन सूत्रों पे। जी। दरअसल तीन सूत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जी, अगर आप विश्व का इतिहास जानते हैं तो विश्व इतिहास में सबसे पहले ये सूत्र अगर गौर से देखें तो तथागत ने दिए थे। जो अगर आप देखें तो हर दुनिया के हर परिवर्तनशील समाज में ये सूत्र अपने अपने तरीके से गए। और सबसे पहले आधुनिक विश्व में यूरोप के अंदर 1880s में, और मतलब 1700 से लेके 1880s के बीच में लगभग 150-200 साल में, अगर आप देखें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, वहाँ पे जो परिवर्तनकारी शक्तियाँ थी उन्होंने भी यही सूत्र दिए। क्योंकि बाबा साहब विश्व इतिहास से परिचित थे और सबसे पहले वो तथागत की विचारधारा से परिचित थे, तो उन्होंने भारतीय परिवेश में इन सूत्रों को प्रस्तुत किया था। और वो किस लिए किया था? शिक्षित बनो का अर्थ ये नहीं था कि आप डिग्रियां लीजिए। जैसे एक आवाज बंद हो गई, आवाज थोड़ा बंद करें, आपकी वॉइस बंद हो गई है। जब बहुजन समाज की बात करते हैं जी, हम बहुजन समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण बात करते हैं इस देश के नागरिकों की, वी द पीपल, जो इस देश के नागरिक हैं भारत के। क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ बहुजन समाज के लिए नारा नहीं दिया था, ये देश के हर इंसाफ पसंद, मानवतावादी मनुष्य के लिए, नागरिक के लिए नारा दिया। तो शिक्षित का अर्थ था कि हम ऐसा ज्ञान हासिल करें, जो बुद्ध ने कहा था, जो समाज के काम आए, डिग्री नहीं, समाज के काम आने वाला ज्ञान, ऐसी शिक्षा जो समाज के काम आए, समाज की कुरीतियों को, बुराइयों को बदले, ऐसा ज्ञान जो हमें जोड़े ना कि तोड़े। आज अगर आप देखें तो शिक्षित बनो का अर्थ बहुजन समाज के ही नेताओं ने बड़ा संकुचित और संकीर्ण कर दिया। वो अपने भाषणों में बाबा साहब की डिग्रियां गिनवाते हैं, उनकी विद्वता के महिमा मंडन करते हैं, जो कि एक तरह की नायक पूजा है जिसके खिलाफ बाबा साहब के खुद, लेकिन वो उस ज्ञान की, उस तत्व की चर्चा नहीं करते जो बाबा साहब ने हमें दिया। जैसे उदाहरण के लिए, मैं थोड़ा जवाब बड़ा होगा, ये क्योंकि देखिए आप गौर से कि भारत के अंदर जिसे हम कहते हैं राजनीतिक आजादी तो आई 47 में, अगर नहीं आई होती तो देश का संविधान कैसे बनता, भारत भारत कैसे बनता? उससे पहले तो कोई भारत था नहीं 47 से पहले जी, भारत तो 1947 के बाद बना जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो भारत के अंदर आज की स्थिति देखिए, आज का परिदृश्य देखिए, कि शिक्षा का अर्थ है पैसे दे के कोई डिग्री हासिल कर लेना। आज पूरा निजीकरण की जो सोच है वो क्या है कि भाई शिक्षा एक ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची जा सकती, यानी कि ज्ञान जो बुद्ध का ज्ञान है, जो अंबेडकर का ज्ञान है, जो फूले का ज्ञान है, जो गुरु नानक का ज्ञान है, जो रैदास जी का ज्ञान है, इन्होंने ज्ञान
खरीद के या बेच के हासिल नहीं किया था, उन्होंने समाज के दुख दर्द को समझते हुए अपनी बातें रखी, वहां से ज्ञान उपजा था, संघर्षों से ज्ञान उपजा था। आज ज्ञान की बजाय दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया, संकीर्ण हो गया। तो ये नारा डाइल्यूट करने में सबसे ज्यादा भूमिका हम जैसे लोगों की भी रही है, जिन्होंने इसको सही अर्थों में लोगों को नहीं समझाया शिक्षित बने। दूसरा था संगठित बने। जब आप पे ज्ञान होगा समाज को बदलने का, तो जब समाज को बदलने का ज्ञान आपके पास है, तो आप क्या करेंगे? आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, है ना? जब दिल में आग लगेगी तो गुरु नानक घर में बैठ पाए, गुरु गोविंद सिंह जी घर में बैठ पाए, साहब काशीराम बैठ पाए घर में, बाबा साहब घर में बैठ पाए? कोई बैठ ही नहीं सकता। जिस पे ये ज्ञान होगा वो लोगों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। जोड़ना मतलब संगठित होना, संघ की शरण में जाएगा, संघ खड़ा करेगा। संघ क्यों खड़ा करेगा? संघ इसलिए खड़ा करेगा, संगठन इसलिए होगा कि समाज को बदलने की प्रक्रिया व्यक्तिगत नहीं हो सकती। बहुत से लोग बुद्ध के संदेश को बहुत व्यक्तिवादी तरीके से देखते हैं कि अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध के संदेश खुद जलो तो समाज को प्रकाशित करो, उसके लिए अपने लिए उजाला पैदा करना नहीं था, सिर्फ समाज के भीतर उजाला पैदा करना, तो इसलिए संगठित होना था। तीसरी बात, संगठित जब हो रहे हैं तो प्रक्रिया क्या होगी? वो प्रक्रिया समझौते की नहीं होगी। जो व्यवस्था है, यथास्थिति है, जिसके खिलाफ हमें समझ में आया, जिसके खिलाफ हमें समझ में आया कि ये शोषण की, ये अन्याय की व्यवस्था है, इसके खिलाफ खड़ा होना है, तो उसके खिलाफ खड़ा होकर क्या करना है? संघर्ष करना। इस तीन बातों को, इन तीन सूत्रों को आप पूरी बुद्ध की, नानक की, फूले की, रैदास की, हर किसी के विचारों में अपने अपने समय और काल के सापेक्ष देख सकते हैं। उनके कहने के तरीके फर्क होंगे, समझाने के तरीके फर्क होंगे, लेकिन ये तीन ही सूत्रों पे सभी, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, आप मार्टिन लूथर किंग को देखते हैं अमेरिका, आप यूरोप के रिफॉर्म्स को देखिए, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, आप रशिया की रिवॉल्यूशन को देखिए, उसमें स्वतंत्रता समानता। तो पूरी दुनिया में जहां भी परिवर्तनकारी बदलाव की शक्तियां खड़ी हुई, उन्होंने इन तीन सूत्रों पे ही काम करके बदलाव लाया। ये जैसे कहते हैं ना कि मानवीय की ह्यूमैनिटीज का, मानवीय समाज के गति के सिद्धांत, डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के ये प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को जब तक सही ढंग से, देखिए विज्ञान सिद्धांत बनाता है, खोजता है, और उन सिद्धांतों को वो प्रकृति में लागू होते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों का इस्तेमाल मनुष्य को करना पड़ता है, और जितना इफेक्टिवली वो करेगा इन चीजों का प्रयोग, उतना इफेक्ट बदलती हैं, आगे बढ़ती है। ये हमारा, मैं कहूंगा कि हमारा समझदारी की कमी रही हमारे समाज की, भारतीय समाज की। भारतीय समाज से मोटे तौर पे मेरा अभिप्राय सिर्फ भारत नहीं है, दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की, कि वो इन तीनों प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को ढंग से लागू नहीं कर पाया आज। क्यों नहीं कर पाया? उसके पीछे कारण थे। उसके पीछे कारण क्या थे? एक तो हजारों वर्षों की गुलामी, और वो गुलामी ऐसी गुलामी थी जो ऊपर से नहीं लादी हो रही थी, वो नीचे से ही स्वीकृत हो रहे। जैसे बाबा साहब ने एक लेख बड़ा महत्वपूर्ण लिखा, जिसको हमें हर किसी को पढ़ना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो निचोड़ है वो क्या है, कि हम अपनी सोच में जाति को तोड़ दें पहले, हम बाकी चीज सब चीजें तो बाद में करें, अपनी सोच से जाति को जरा बाहर निकाल दें, हम खुद जाति को मानना बंद कर दें और अपने आसपास के परिवेश में जाति की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दें, इग्नोर कर दें।
पर भारत में क्या हुआ, भारत में बहुजन आंदोलन ने ये जिद पकड़ रखी है पिछले 30 साल से कि पहले ब्राह्मण अपनी जाति छोड़े। ब्राह्मण क्यों छोड़ेगा, उसको तो उससे सुविधा मिलती है, वो क्यों छोड़ेगा, उसने तो बनाई इसीलिए है कि उसको इसमें सुविधा मिले। भूख लगी हमें तो ब्राह्मण रोटी की खाएगा, तो जब हमें लगे तो हमें तो प्रॉब्लम तो हमें तो प्रॉब्लम मिटानी पड़ेगी, ब्राह्मणों को कहां घुसे थे बीच में। पूंजीपति क्यों पूंजीवाद को छोड़ेगा जी, जी जी ये पहल हमें करनी थी जी। अब इस पहल का कुछ लोगों ने क्या अर्थ लिया देखो, मैं उदाहरण से समझा कि अरे अंतर जातीय शादी कर दो, एक साथ खाने पीने लगो। तो आज भारतीय समाज में ट्रेन में बैठते वक्त, प्लेन में बैठते वक्त आपसे कोई आपकी जाति पूछता है, लेकिन फिर भी जाति मौजूद, ये जाति नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो सोच है शोषण की, इसने अपना रूप स्वरूप बदल लिया, मॉडस अप्रेंडी बदल लिया, काम करने का तरीका बदल लिया। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम इस बदलाव को नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए जो शिक्षित बनो, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज, कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, इसको अगर हमें लागू करना है तो इसको हमें मानवीयता के आधार पे और भारत के संदर्भ में एज ए सिटीजन समझना होगा, एक नागरिक के तौर। हम हमारे साथी बड़े संविधान की बात करते हैं पर वो अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानते। आप एक सर्वे करके देख लीजिए, ये इम्पीरिसिस सर्वे नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा इलाकों में। आप किसी से पूछिए आप कौन है, वो क्या बोलते हैं, जी मैं तो फला हूं, मैं तो फला हूं। 100 में से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं मनुष्य हूं और भारत का नागरिक हूं, भारतीय हूं। सब अपनी पहचान अपने जाति और धर्म से देते हैं, नागरिकता का उन्हें बोध ही नहीं, सेंस ऑफ सिटीजनशिप है ही नहीं। अब बाबा साहब क्या कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं प्लीज भाइयों बहनों इस देश के प्यारे नागरिक बनो, ये देश नागरिकों के लिए है, ये देश ब्राह्मणों और शूद्रों के लिए नहीं है, ये देश समानता स्वतंत्रता के विचार रखने वाले नागरिकों के लिए। ये नागरिकता का बोध हमने तोड़ दिया। ये शिक्षा जिस दिन इस देश के बहुजन संगठन देने लगेंगे और सोच के स्तर पे अपनी जाति की पहचान खत्म करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी जो है, तब बाबा साहब के 3 सूत्र वाकई लागू हो पाएंगे जो बाबा साहब ने दुनिया से सीखे और हमें दिए और ये दुनिया ने तथागत से सीखे। मैं इसमें थोड़ी बात ऐड करना चाहता हूँ, देखो इसमें हो सकता है शायद मेरा अपना सोच गलत भी हो सकती है, हमने इसके ऊपर एक नया विश्लेषण किया है कि 3 सूत्र जो दिए बाबा साहब ने, पहली बात तो ये जात पात की जो बीमारी घूम रही है ना भारत के अंदर, इसको मैं तोड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मैंने किताब लिखनी स्टार्ट कर दी, इसमें 90% तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है कि जात पात और नस्लवाद का कैसे होगा सर्वनाश, उसमें सवाल जवाब है और बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली किताब बहुत जल्दी आएगी मार्केट में। दूसरी बात, ये जो 3 सूत्र दिए हैं ये उन लोगों की जिंदगी की कमाई है जो जिन्होंने लिखे, बाबा साहब ने जो लिखे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनकी जिंदगी की एक एक उसमें सच्चाई भरी हुई है। तो सच्चाई को पहचानने के लिए आ रहे हैं सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के, मतलब मनुष्य के डायनेमिक्स, जो सोसाइटी आगे बढ़ती है उसके सिद्धांत है, निचोड़ है और हर समाज में इनका इस्तेमाल। उसको समझने के लिए हमें उसकी वहां तक पहुंचना पड़ेगा तभी उनको बात को समझ पाएंगे। अभी हमारा माइंड सेट जो है वो पहली क्लास वाला है और ये सिद्धांत जो है एमए वाले हैं, 16वीं क्लास वाले हैं, जो हाई क्लास के हैं, तो पहली क्लास के दिमाग वाला इंसान जो हाई क्लास का कैसे समझ पाएगा। तो इसको जो है ना, हमें अगर जब तक हम सच्चाई ईमानदारी हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम सच्चे लोगों की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। अगर हम कभी झूठ बोलेंगे, कभी बेईमानी करेंगे, कभी कभी सच बोलेंगे, तब भी हम उनकी बातों को मुश्किल से 1% समझ पाएंगे। अगर हम सच ही सच बोलेंगे, ईमानदारी ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हम सच्चे लोगों की बातों को समझ पाएंगे। और जब समझ पाएंगे
तभी उनको हम कर पाएंगे, नहीं तो ये सिर्फ आन रस है कि इधर छोड़ कर इधर निकाल दिया। तो ऐसे तो अब छोड़ रहे बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन कोई कर। तो मोहिनी जी आप क्या कहना चाहती है, बात कहाँ तक सही जो हमने वो सोचा इसके बारे में? जी, जो हमने इसको सच्चा इंसान ही शिक्षित बन सकता है, सच्चा इंसान ही संगठित रह सकता है, सच्चा इंसान ही संघर्ष कर सकता है, मेरा बड़ा हो सकता है। तो बताए क्या इस पे क्या कहना चाहती है सर? सच्चाई होनी तो जरूरी है इंसान के अंदर, और ईमानदारी होनी भी, क्योंकि महापुरुषों ने जितना भी कुछ कहा है वो सच्चे थे, ईमानदार थे, तभी वो उसमें सफल हुए हैं। जो कि आज के व्यक्ति में ये सोच नहीं है, तो इसीलिए हमें सफलता भी हासिल नहीं हो रही। सच्चाई और ईमानदारी होनी जरूरी है। इसी को हम बार बार दोहराते हैं कि हमने हमने शुरुआत में बोली ना कि आज की मुलाकात सच्चे जिंदे लोगों के साथ, जिंदा मुनि को मानते जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। मुर्दे कौन किसी के साथ बोलता है, जब झूठ बोलने वाला मुर्दे के समान होता है। तो ऐसा है। तो हमने आगे जो अगला हमारा सवाल है मोहिनी जी आपसे कि नौजवान नौजवान सबसे पहले कि थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ सच वाले जी करिए अगर आप इजाजत। नहीं नहीं इजाजत पूरी है, आपको प्लेटफॉर्म जो है कर सकते हैं जी। कबीर ने एक बात कही थी, साधो ये मुर्दों का गांव, सच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियावे। इसका मतलब था कि साधो ये देखो कैसा मुर्दों का गांव है, गांव मतलब ऐसा परिवेश है पूरा, कि जहाँ जो सच बोलता है उसको मारने लोग दौड़ते हैं और जो झूठ कहता है उसको सम्मान देते हैं। क्यों कहा कबीर ने ऐसा? क्योंकि सत्य जो है वो सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। आज से 100 साल पहले का सत्य और आज के सत्य में अंतर है। इसलिए आज की जो सच्चाई है और आज से 100 साल पहले की जो सच्चाई है उसमें फर्क हो, ये तो मानते हैं ना, विज्ञान भी मानता है इस बात को। नहीं मेरा तो सच्चाई इसमें सच्चाई में वो बदल जाता अलग बात है, लेकिन सच्चाई जब से हमें भी ऑक्सीजन पहले भी लोग लेते थे ऑक्सीजन से, 1000 साल पहले चले गए वो भी ऑक्सीजन से जीते थे, आज भी ऑक्सीजन से जी रहे हैं। तो सच्चाई जिसको रूप अलग अलग हो सकता है। इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा कि दुनिया में दो ही चीजें शाश्वत, जिसमें सबसे पहली और आखिरी चीज शाश्वत क्या है? परिवर्तन। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? परिवर्तन। जो परिवर्तन को समझता है वो सत्य को समझता है। अब बात आती है सत्य पे अडिग रहने की, तो मैंने इसीलिए कहा कि रिलेटिव। आज के युग का सत्य क्या है? आज के युग का सत्य है कि शोषण है, अन्याय है, ये पहले भी था, पर आज के युग का जो शोषण है अन्याय वो किस प्रकार का है, इसको उद्घाटित करना, इसको बताना, इसको समझना, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्य पे कौन खड़ा होगा? सत्य सत्य और ईमानदारी जो है किसके गुण होंगे, वो गुण आएंगे कैसे मनुष्य में? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा समाज कैसे बनता है, व्यक्ति कैसे बनता है। अधिकांश लोगों की समझदारी है कि जो व्यक्ति है वो समाज को बनाता है, जबकि विज्ञान और समाज विज्ञान ये मानता है कि समाज से व्यक्ति बनता है। जब तक समाज के अंदर सत्य, इसीलिए कबीर को कहना पड़ा साधो देखो जगपतिया मुर्दों का गा, सच साची कहे तो मारण था। आप बुद्ध से लेके आज तक किसी भी को देख लीजिए, सच कहने का सार। इसीलिए बुद्ध की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए। क्या होगा? निर्भय बनो। सत्य वही बोलेगा जो निर्भय होगा, और निर्भय कौन होगा? जो व्यक्तिवादी नहीं होगा। गुरु तेग बहादुर ने भी कहा ना कि भाई सच जो है वो निर्भयता पैदा करता है। निर्भय आदमी ही सच्चा हो सकता है। जो डरपोक होगा, कायर होगा, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। और डरपोक होना तो अगर आप बात आपकी समाप्त हो आगे करें बहुत। चलिए मैं बात समाप्त करता हूँ, बात तो और खुलेगी।
आगे जाएगी। अभी बहुत हम अभी तो शुरुआत की हमने इसकी, तो आने वाले वक्त में आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, जब मर्जी आकर विचार चर्चा कर सकते हैं, ये शुरुआत है यहाँ से। तो कहना है मतलब जब सच्चाई आएगी कैसे, अभी अगर हम ये मान छोटी सी बात को मान लेते हैं कि हमने एक शायरी लिखी थी, हम सुना देते कि जो इंसान सच बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो महान और विद्वान बन जाएगा। जो ईमान जो जो नौजवान झूठ बोलेगा और बेईमान बेईमानी करेगा, वो शैतान और रहवान बन जाएगा। तो सच्चाई तो इंसान को अंदर ग्रहण करनी पड़ती है, जैसे पानी को पीना पड़ता है ना प्यास बुझाने के लिए, तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी और उस पर चलना पड़ेगा, तब इंसान उसमें कामयाब हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सच्चाई कि इसमें उसमें डाल करके पानी के अंदर उसमें पी ले, इसमें ऐसे पी जाएंगे, ऐसा नहीं है। सच बोल बोल करके जब इंसान के अंदर दीपक जल जाएगा सच का, वो कहते ना गौतम बुद्ध ने कहा था कि खुद का दीपक खुद बनो, उसका मतलब ये है कि आदमी अगर सच बोलता है बोलेगा, ईमानदार से चलेगा, लगातार इसको करेगा, तो उसके अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा। तो जब ज्ञान का दीपक जल जाएगा तभी उसको कह पाएगा ये खुद का दीपक खुद बना। फिर जब खुद का दीपक खुद बन जाता है बह नहीं सकता, वो ऐसा चलेगा कि दुनिया को रोशनी कर देगा, दुनिया को दिखाएगा रास्ता। तो मोहिनी जी जैसे हम देखे नौजवानों को एक दूसरों के सारे मतलब जितने जैसे हम देखते रहेंगे कि अगर अच्छे काम करना तो दूसरों का इंतजार करते हैं कि कोई और करे, और जब बुरा काम करना वो खुद कर जाते हैं चुपचाप, और बताते भी नहीं किसी को। तो ये इंसान खुद का सुधार खुद कैसे कर सकता है जी? सर उसके लिए मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, मानसिक गुलामी। जब तक मानसिक गुलामी नहीं छोड़ेंगे, समाज में आना जाना नहीं सीखेंगे लोग, तब तक नहीं सुधरेंगे। और होता क्या है, यहाँ पे गलती पेरेंट्स की होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं और घर में महिलाएं होती है, सबसे ज्यादा गलती मैं मानना चाहूंगी जो घर का लीडर होता है पुरुष, क्योंकि भारत के अंदर घर का लीडर आज भी पुरुष है। चाहे हम कितना भी बोले भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, भारत नहीं बदल रहा, क्योंकि भारत के लोग तो वही बैठे हुए हैं जो अब से 100 साल पहले थे, वही सोच है उनकी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं भारत के पुरुषों की गलती है कि वो उनको बाहर नहीं निकलने देते। अगर महिलाएं बाहर जाएंगी तो वो आकर के अपने बच्चों को भी कुछ समझाएंगी सिखाएंगी, क्योंकि पुरुष का क्या है, अगर वो बाहर गए किसी भी कैडर कैंप में मीटिंग में, सुन के आए, खुद ने सुन लिया, मन प्रसन्न हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, अपना बैठे, अगले दिन फिर अपने कामों पे लग गए। लेकिन महिलाओं का क्या है, बच्चे की पहली टीचर जो होती है, जो बच्चे का पहला गुरु होता है, वो महिला उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ ही पहले सिखाती है बच्चे को कि क्या करना है, कैसे जाना है, क्या क्या सही है, क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की गलती है कि वो बच्चों को मौका ही नहीं देते बचपन में। वो बचपन में सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, IAS बन जाए, PCS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन समाज में ना जाए, क्योंकि समाज में जाएंगे कहीं इन पे पुलिस केस ना हो जाए, कहीं लाठीचार्ज ना हो जाए, कहीं मर ना जाए। तो अगर ऐसी ही सोच रखेंगे, ये व्यक्तिवादी सोच है ना हर व्यक्ति की, कि बस मुझे अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाना है, सामने पड़ोसी है उनके बच्चे चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये चीज बोलते भी है कि आप अपने बच्चे को भेजो ना, आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, वो तारीफ करते हैं उनको, पेड़ पे चढ़ा देते हैं कि आपके बच्चे में ये गुण है। लेकिन वो हो सकता है उनका बच्चा ज्यादा कैपेबल हो उस चीज के, लेकिन वो अपने को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चे को बिल्कुल शीशे के अंदर सजा करके रखना, और लड़कियों को तो बिल्कुल फूल की तरह बना करके रखना है कि लड़कियों तो बिल्कुल बाहर ना निकल पाए। भारत के अंदर आज इतना ज्यादा लड़कियों का शोषण हो रहा है, लड़कियों का, महिलाओं का हर जगह पे शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीजें घर से ही शुरू होती है। सबसे पहले महिलाओं का शोषण घर के अंदर करा जाता है, जो कि घर के पुरुष करते हैं, घर के बड़े करते हैं। दादी होती है, दादा होते हैं, दादी तो महिला है, दादी भी शोषण करती है। तो नौजवान जागेगा कहाँ से जब वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा? उसको स्कूली शिक्षा मिल रही है, स्कूल में तो किताबी ज्ञान मिलता ना, सामाजिक ज्ञान थोड़ी ना मिलता है। तो सामाजिक ज्ञान के लिए तो बच्चों को बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा बाहर की दुनिया को देखना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज से सिर्फ डिग्रियां मिलेंगी, और वो हो सकता है कि कोई ज्यादा होशियार हो पढ़ने में तो उसको नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ने के बाद भी मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे घर की गलती है, जो हमारे घर में तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, उसकी गलती है। व्यक्तिवादी सोच की गलती है, जो हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं दिन पे दिन, उसकी गलती है। तो इसके लिए बच्चों को भी कहीं ना कहीं दिन में 1 घंटे का समय निकाल के तो महापुरुषों को जरूर पढ़ना चाहिए, थोड़ी सी उनकी बातें। और पढ़ भी नहीं सकते तो घर वालों से पूछें, घर वालों को नहीं पता तो कहीं बाहर जाके पूछें, किसी टीचर से पूछें। लेकिन ज्ञान को जागने की इच्छा बच्चों के अंदर होनी चाहिए। नौजवान सोया ही रहेगा जब तक उनके घर वाले सोए रहेंगे, क्योंकि 18 साल के बाद तो बच्चा निकल सकता है अपनी मर्जी से बाहर, लेकिन 18 साल से पहले तो माँ बाप जाने ही नहीं देते।
तो उसके लिए माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों को बाहर जाने की अनुमति दे, बाहर अपने साथ कैडर में मीटिंग्स में लेके जाए, एटलीस्ट संडे को तो लेके जाए, संडे को तो कोई स्कूल नहीं होता, संडे को तो लेके जाए। तो सामाजिक ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को सामाजिक ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है। कोई होगा जो पढ़ता होगा, ठीक है, तो अगर उसके साथ बाहर कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी एट्रोसिटी हो रही है, तो उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो उस चीज के लिए क्या कर सके। कितने बच्चे ऐसे हैं एससी एसटी के जो कि कॉलेज में अपर कास्ट के बच्चों से प्रताड़ित होते हैं, अभी भी होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एससी एसटी एक्ट भी है, हम बच सकते हैं, हम इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर बच्चे समाज में जाएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि हाँ भाई समाज में कितना कुछ हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। और ज्ञान तो जितना ले लो उतना कम है, जिससे ले लो उस, कभी भी ज्ञान लेते टाइम शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो बच्चों को बाहर तो निकलना पड़ेगा, और ये चीज स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने घर के अंदर शोषण खत्म करना पड़ेगा। घर के अंदर शोषण जब तक रहेगा देश का शोषण तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि शोषण की आदत घर से ही पड़ जाती है। तो जब हमें घर में इतने अत्याचार होने को मिलते हैं, तो जो बाहर होते हैं ना उनसे इफेक्ट नहीं पड़ता लोगों को। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी सोच खत्म करके हम वाली भावना ला करके हमें आगे निकलना पड़ेगा। ये जो पुरानी रीतियों में हम फंसे हुए हैं ना, रिवाजों में, इनसे कहीं ना कहीं हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक मिनट की है, जैसे कि आज भारत के अंदर कांवड़ यात्रा चल रही है, कुछ समय से सारी सड़कें जाम हुई पड़ी हैं। तो लोगों की मानसिकता देखिए, कल ही मैंने देखे हैं, दो बच्चे थे, एक बच्चा होगा 12-13 साल का, एक था 8 साल का, वो दोनों कांवड़ लेने गए हुए थे हरिद्वार अकेले, और वो वहां से आ रहे थे। अब आप ये सोचो, माँ बाप ने उन्हें वहां तो भेज दिया कांवड़ लेने के लिए, क्या उन्हें स्कूल भेजते हैं वो? मैंने पूछा, स्कूल जाते हो आप लोग? कह रहे नहीं, हम लोग काम करते हैं पापा के साथ में मिल करके। तो बताइए कहाँ कहाँ तक हम, कहाँ कहाँ से निकाल के लाएंगे लोगों को। तो हमें जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन साथ की जरूरत है, सब लोगों को इकट्ठे चलना पड़ेगा। और एयर कंडीशन गाड़ी या एयर कंडीशन रूम में बैठ करके ये काम बिल्कुल नहीं होगा, जमीनी स्तर पे आना होगा। हमें गांव लेने होंगे, जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें जाकर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो संजीव जी, हमारे बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया लड़की ने खड़ा है इसने, भाई मतलब बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और लड़की को खास करके, मेरा भी अपना मानना ऐसा है कि लड़कियां अगर आजाद होती है ना मानसिक तौर से, वो चार पीढ़ियों को मानसिक गुलामी से बाहर निकाल सकती है। मेरा अपना मानना ऐसा है, रास्ते पर एक लड़की अगर मानसिक तौर से आजाद होगी तो अपने अपने आप को निकालेगी, अपने घर अपने माँ बाप को निकालेगी, अपने पति को निकालेगी, अपने अपने बच्चों को निकालेगी। अगर लड़की मानसिक गुलामी फंसी है तो लड़की फिर वो चार पीढ़ियों को भी मानसिक गुलामी धकेल सकती है। तो मोहिनी जी, अगर आप बात रख सकती हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं अपना, हर हफ्ते में आप 100 लड़कियां जोड़े साथ में, 500 जोड़े, 1000 जोड़े, इस पे आप हर हफ्ते एक प्रोग्राम कर सकती हैं, 2 करें, 3 करें, 4 करें, जितने भी आप हर एक अगर अलग अलग स्टेट पर जोड़ना चाहती है, पंजाब से अलग से जोड़ना चाहती है, अलग से, मतलब हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और ये हम खुलेआम करें कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें, और आगे बढ़ने में हमको कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपने बात रखी है लड़कियों को जाने देते हैं, तो हम ये प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसके आपने जब मर्जी आकर के डिबेट कर सकते हैं, और जब मर्जी ये आपका अपना है, इसको अपना समझे, तो इसमें हम आपको लिए पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग अगर ये बात रखी है तो उस पर पैरा भी दें हम आपको, मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम बोल रहे हैं करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको करेंगे भी। तो ये आप अपने आपने बोलिए, तो आप भी इसके अपने जवाब के ऊपर खुले हैं कि आप डिबेट रखें और आगे निकलें और आगे बढ़ाएं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। आभार नहीं है, ये आपका अपना टीवी चैनल है, वाइस ऑफ मानव का, ये पूरे सर, अगर आप सच दिखाएंगे तो इसके लिए आभार ही प्रकट करना पड़ेगा ना, क्योंकि देश की जो मीडिया है वो तो बिल्कुल अंधी है, उसको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि देश की मीडिया ने देश का सबसे ज्यादा नाश कर रखा है। सबसे ज्यादा जो देश का विनाश हो रहा है वो देश की मीडिया के हाथों से ही हो रहा है, और वो इतने हालात बदतर हो गए हैं कि हद से ज्यादा। ये वो खुद ही अभी सर्व जो है आपको ना शायद पढ़ा होगा इनका, इनका स्लोगन है कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जब विनाश की तरफ इंसान बढ़ता है तब आदमी झूठ बोलने स्टार्ट कर देता है, बेईमानी करना स्टार्ट करता है। तो इनका विनाश तो इन्होंने खुद को इन्होंने अपने उसमें डाल दिया विनाश के उसमें, तो ये तो बिना उसी के निकल जाएंगे। अब हमने प्लान जो किया है उस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि 1 करोड़ लोगों को हम जोड़ लेते हैं साथ में, तो उनको हमने कर बाई चांस उनको से
मतलब साल में 1200 रुपये हम देते हैं, वो देते हैं एक परिवार। तो अगर मान लीजिए अगर एक साल के अंदर लोगों का एक एक परिवार का खर्चा 20,000 तो कम से कम पढ़ाई में AI में आ जाता कम से कम बात है, तो उसमें अगर 20,000 में सिर्फ 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं उसको और 1800 उसको बच रहे हैं 18,800, तो ये प्लान जो है ना भारत को इसमें लागू कर देते हैं तो मेरे ख्याल से भारत की गरीबी भी हटेगी। हमने इसमें ऐसा लिखा है, श्लोक भी लिखा है इसमें कि भारत के गरीबों की मेहनत से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत के गरीबों को एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएंगे। क्योंकि बादशाहत जब आप लोगों के हाथ में होगी, आप लोगों का राज होगा, तो ये शैतान लोग तो पूंछ दबा के भागेंगे यहाँ से, और इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आमदनियाँ जो आपके हाथ में, कल को आप MLA MP और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आप लोग होंगे तो फिर कौन किसी के साथ में क्या करेगा। तो ये जात पात को हम मिनट सेकंड में खत्म कर सकते हैं। इसमें जैसा भाई साहब ने बताया ना कि एक सोच है जात पात, सोच को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल बनाएंगे ना, हम हॉस्पिटलों को बाहर लिख दिया जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में कि कोई भी जात पात का नाम लेगा उससे 10 गुना फीस यहाँ ज्यादा ली जाएगी। तो कोई जात का नाम लेते घबराएगा पहले, और उसमें कोई जात पात का अगर मतलब अगर कोई ये समझे कि किसी को जात पात के लेकर पुकार रहा हो तो इसको मन के अंदर ये सोच ले कि पागल इंसान है, बेवकूफ इंसान है ऐसा बोल रहा। सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जात पात जितना बड़ा विषय नहीं, जितना पढ़ा दिया लोगों ने। तो लास्ट में मोहनी जी आप क्या कहना चाहती है, वॉइस ऑफ मानव ने जो प्रोग्राम किया था दिल्ली में उसके हिसाब से, और उसमें क्या संदेश देना चाहती है लोगों को? सर प्रोग्राम तो अच्छा था, लेकिन बात है कि लोग उस प्रोग्राम में आ गए और वहां पे सबने अपनी स्पीच दी और चले गए। अब कहाँ है वो लोग, कहाँ दिखेंगे, कहाँ मिलेंगे? क्या वो लोग सिर्फ जब ही मिलेंगे जब सेकंड प्रोग्राम होगा? जैसे कि आपने बोला कि हम MLA बनाएंगे, MP बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास है कौन बनाने के लिए? यहाँ तो हर किसी को नेता बनना है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ देश का एक बन सकता है ना, लेकिन यहाँ तो सबको बनना है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कैसे बनाएंगे? मेरा एक सेकेंड मैं बस अपना ये कम्प्लीट कर लूँ फिर आप बताइएगा। यहाँ पे हर किसी व्यक्ति के अंदर, समाज के लोगों की बात कर रही हूँ मैं, अभी तो हर जगह जा भी नहीं रही, हर किसी व्यक्ति के अंदर ये सोचे कि अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, विधायक बनने का मौका मिलता है, तो सिर्फ मैं बनना चाहिए, चाहे मैं उसके लिए कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, सिर्फ मैं बनना चाहिए। तो लोगों के अंदर इतनी ज्यादा मैं की भावना है, तो वो आएगा कहाँ से? ऐसा लीडर कहाँ से आएगा जो समाज का भला करेगा? MP MLA क्या अब नहीं बैठे हुए? अभी भी बैठे हुए हैं ना, जब हमारे अधिकार छिनते हैं तब भी तो बैठे हुए हैं। और रही बादशाह बनाने की बात, तो हमें तो भिखारी बनाने की तैयारी चल रही है, हम तो भिखारी बनने की कगार पे बैठे हुए हैं ना, हमारे हाथ में बस कटोरा आने की देर है, क्योंकि देश के अंदर जितनी सरकारी संपत्तियां सब बेची जा रही है। कौन विरोध कर रहा है? कौन से सामाजिक संगठन आकर के विरोध कर रहे हैं आप मुझे बताइए एक बार? कोई कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, क्योंकि सबके अंदर व्यक्तिवादी सोच है और लोगों ने इतनी घटिया मानसिकता बना रखी है कि वो निजीकरण का विरोध करने की जगह वहां पे जाकर के बोलते हैं कि हमें इसमें आरक्षण दे दो। क्यों लेंगे हम निजीकरण में आरक्षण? हमें निजीकरण नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए निजीकरण। ये देश की संपत्ति है, सरकार कौन होती है इसको बेचने वाली? या सरकार कौन होती है संविधान को बदलने वाली? क्यों करेंगे ये लोग? हम 92% जितने भी हम लोग हैं, हमारी संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, तो क्या हम लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के नहीं लड़ सकते? क्या महापुरुषों ने जो काम करा है, क्या उन्होंने सिर्फ अपने लिए करा था? यहाँ जो लोगों के अंदर जो भावनाएं आ रही है ना, वो आ रही है कि हम लट चला लेंगे, हम अपना ही अपना करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं व्यक्ति के। तो बंदूक देना बहुत आसान है, ये बाबा साहब की कोटेशन है, मेरी नहीं है। बंदूक देना आसान है, बुद्धि देना बहुत कठिन है। तो इसलिए लोगों के अंदर जो हमें मानसिक जो गुलामी है वो हमें दूर करनी पड़ेगी। और जो लोग एक दिन के लिए जिंदा होते हैं ना साल में, जैसे 14 अप्रैल को जिंदा हो गए, जब महापुरुषों की जयंती आती है, पुण्यतिथि आती है, तब जिंदा होते हैं, उन लोगों को साल के 365 दिन जिंदा रहना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ होगा। क्योंकि हमें दिन रात जगना पड़ेगा, ये जो अपनी आंखें है ना, हमें हमें बहुत तेज करनी पड़ेगी, दिमाग भी तेज करना पड़ेगा और अपने कदमों को भी बहुत तेजी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो समय दूर नहीं। अगर हम इसी कछुए वाली चाल से चलते रहे तो वो समय दूर नहीं कि हम हाथ में कटोरा लिए बैठेंगे और वो जो पुराने वाले दिन थे ना वही वापस आ जाएंगे। तो मैं तो ये गुलामी बिल्कुल नहीं चाहूंगी। और कोई साथ आता है ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, बहुजन समाजवादी मंच तो ये लड़ाई लड़के रहेगा, निजीकरण तो देश में नहीं लागू होगा, बस ये बात तो तय।
आपने जो बोला है ना अभी कि कौन आएगा, मतलब आपको दो छह छह महीने के अंदर अंदर नजर आएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन स्टार्ट हो रहा है, छह महीने के अंदर अंदर नजर आएगा। लेकिन दूसरी बात ये है ना, जो आप जो आपके जो लोगों के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं ना, उनकी हाथ में तो ऑलरेडी कटोरा है पहले से, उनकी हाथ में चाहे करोड़ों ने अरबों खरबों ने पूरे दुनिया की दौलत है जाए तब भी कटोरा ही रहेगा। भिखारी तो वो होता है जिसके अंदर सबर संतोष नहीं होता। दरअसल वो असली भिखारी वो नहीं है जो जो कटोरा मांग पेट भरने के लिए मांगते, वो भिखारी नहीं होते। भिखारी तो ये असली जो अदानी अंबानी है मोदी है सबसे बड़े भिखारी तो ये है, चोर चक्के डाकू डाकू लुटेरे तो ये है सबसे बड़े। सर ये एक अलग एक सेकेंड, ये जो भिखारी वाली जो बात मैंने बोली थी ये बेरोजगारी के ऊपर बोली थी। ये जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण बेरोजगारी लाएगा देश के अंदर में, जो देश का युवा डाकू बनेगा चोर बनेगा लुटेरा बनेगा। आपको पता है एक अग्निवीर योजना आई है पीओडी ट्यूर ऑफ ड्यूटी, जो देश की रक्षा कर रहे हैं आप उनको ड्यूटी का टूर देंगे और आप वहां बैठे हैं, आप 70-70 साल की उम्र में देश चला सकते हैं लेकिन युवा 23 साल की उम्र में रिटायर होगा। ये ऐसा मजाक क्यों हो रहा है युवाओं के साथ, आखिर चल क्या रहा है? तो यही मैंने ये वाला कटोरा और ये वाला भिखारी बोला बेरोजगारी के विषय में। वो लोग भिखारी नहीं, वो तो इस टाइम बादशाह है हमारे देश के, क्योंकि जैसा वो कह देंगे वही होगा। नहीं बादशाह आपको लग रहा है, उनको बादशाह है लेकिन असल में देखे ध्यान से, जिसके पीछे 50-50, 100-100 बॉडी गार्ड होते हैं ना, वो सबसे बड़ा डरपोक और भिखारी होता है, वो ज्यादा बड़ा ताकतवर नहीं होता है। इनको तो एक मिनट में वहां पर देखा है पंजाब से कैसे भाग कर आए दौड़ कर, जरा जरा किसी ने उनको धमका दिया, तो इतने डरपोक आदमी भिखारी, मतलब एक अध्यात्म की बात कर रहा है, दूसरी बात नहीं है। तो इसमें क्या है, जो मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग मेरे साथ में सिर्फ नौजवान मुझे चाहिए ऐसे कि हम इसको ऐसे तरीके से लेके चलेंगे कि वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया लाठी में टूटी, ऐसे काम करके दिखाएंगे और हमें किसी को प्रॉब्लम भी नहीं, इससे दुश्मनों को फायदा होगा। क्योंकि जो दुश्मन जब हमारे साथ में नहीं लड़ेंगे, दरअसल क्या है ना, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनका कोई दुश्मन नहीं है, वो उनको दुश्मन खुद है वो अपने दुश्मन हुए नहीं, 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 नहीं उनको अपने दुश्मन ब्राह्मण उनको दुश्मन समझते हैं अपना, क्योंकि उनके अगर ये दुश्मन समझे तो उनके घर मारने जाए उनको, तो वो तो ब्राह्मण जो दुश्मन लोग जो है उनको घर मारने आते हैं, उनको दशहरा लेने आते हैं। इसका मतलब कि मूल निवासी को कोई दुश्मन नहीं है, उनको दुश्मन वो दूसरे समझते हैं, इस करके उनको मारते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसमें हम निकालने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए बहुत जल्दी इसमें पूछा कदम उठा रहे हैं और एक बाप पूरा वर्ल्ड इसको याद करेगा भारत को, इसमें ऐसा हम कर पाए। तो संजीव जी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, बहुत अच्छी चर्चा रही, आगे फिर चर्चा करेंगे और आपका बहुत आभार कि आपने इतना समय दिया हम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इसका वॉइस ऑफ मानवता नाम हमने क्यों रखा, इसका मतलब है कि पूरे विश्व के लोगों की आवाज, सच्चे लोगों की आवाज, ईमानदार लोगों की आवाज। दफन हो गया ईमानदारी या दुनिया देख ले ध्यान से देखे, पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चे ईमानदार दफन कर दिए लोगों ने, दफन हुआ नहीं। मतलब इसको मतलब हमें 25 भाषाओं में गाना भी तैयार कर दिया है कि हमने मानवतावादी गाना तैयार किया है ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति आए, प्रमेय है कि इंसानियत जाग जाए। तो इंसानों को इंसानियत तक ले जाने का और इंसानों के अंदर सच्चाई भरने का ये हमने इसीलिए वॉइस ऑफ मानवता खोला है। इसका नाम साहब ने देख भी लिया होगा, उसको पहचान भी लिया होगा कि इसका मकसद क्या है, लोगों को अंदर से नफरत को खत्म करके सच्चाई का बीज बोना इसका मकसद है। और हमने एक शायरी भी लिखी थी पहले कि लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। नफरत की दीवारें जो खड़ी हो गई हैं चारों तरफ, उसको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। तो ये हमारा सपना है और भारत को हम सोने की चिड़िया नहीं, इस बार सोने का बाज बनाएंगे ताकि कोई विदेशी परिंदा यहाँ पर आकर पर न फड़फड़ा सके, ऐसा बनाएंगे। तो मोहिनी जी थैंक यू, आपका धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ में और उम्मीद करते हैं आप पूरी पूरी होश से हम आपके जज्बे को सलूट करते हैं। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देती है, हमें भी हैरान कर दिया भाई, इतनी सोच सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, तो हमें आज सोचने मजबूर कर दिया आपने कि हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, ये आपको अपना है। और संजीव जी आपको थैंक यू, जुड़ रहे साथियों वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, आपका टीवी लाइक करें, थैंक यू सर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।